नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल राधा किराना स्टोर में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं अगले वीडियो में बताया था कि हमें कोल्ड ड्रिंक में प्रॉफिट की बजाय नुकसान भी बहुत होता है, और शायद तुमने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि आपको प्रॉपर्टी से वीडियो प्रॉपर्टी के दिखाए जाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक में होने वाले नुकसान है वो कभी नहीं बताए जाते। दोस्तों, मैं इसी की आज मैं बात करूँगा कि हमें कोल्ड ड्रिंक में कम नुकसान होता है और कैसे नुकसान होता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम सीधे बात करते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक में नुकसान कब होता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि कोल्ड ड्रिंक का काम कितने महीनों तक चलता है। अब कोल्ड ड्रिंक का काम जैसे आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब सितंबर तक समझो, लास्ट समझो सितंबर तक काम, मतलब कोल्ड ड्रिंक का अप्रैल से लेकर सितंबर तक काम बहुत अच्छा चलता है। इसके बाद आपको माल का स्टॉक करना कम करना होगा, क्योंकि फिर तीन चार महीने के लिए, मतलब सितंबर अक्टूबर में काम थोड़ा हल्का चलने लगता है और नवंबर तक बिल्कुल हल्का हो जाता है। उसके बाद मार्च तक आपका काम बिल्कुल डाउन चलता है। इसलिए आपको जितना माल है आप उतना ही माल मंगाएं कि आप हर महीने उसे सेल कर सकें। आपको इसमें ज़्यादा माल नहीं मंगाना है, ज़्यादा माल मंगाने से आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि इनकी अगर एक्सपायरी होने पर इनकी कंपनियाँ कोई जिम्मेदार नहीं है, और ना कंपनियाँ माल उन्हें उठाती हैं। अब कंपनी जब माल नहीं उठाएगी तो समझो आपका पूरा नुकसान है। तो कभी कभी इतना नुकसान हो जाता है कि आप शायद, मेरे हिसाब से प्रॉफिट नहीं होगा, इतना नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा माल भरने से हमें दिक्कत बहुत होती है। और जैसे आपने नया माल लिया, वो बीच नीचे दब गया तो वो माल पुराना हो रहा है, एक्सपायरी हो रहा है, तो इसमें हमारा काफ़ी नुकसान है। उसमें देखो मेरा भी नुकसान होता है। फिलहाल देखो मैं भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़े हिसाब से माल लेता हूँ तो मेरा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। फिर भी देखो, अगर इतना सही लेने के बाद भी फिर भी देखो मेरा क्या क्या नुकसान है। ये सब बोतलें मेरी एक्सपायरी ख़राब हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये बोतलें सारी एक्सपायर हैं, जिसमें मैंने एक्सपायरी निकाल दी है। ये सब एक्सपायरी बोतल हो चुकी हैं, ये देखो ये सब एक्सपायर हैं। तो दोस्तों, एक्सपायर होने पर माल का नुकसान बहुत होता है और इन्हें कंपनियां वापस नहीं लेती। तो वापसी नहीं लेगी तो ज़्यादातर अब ये माल जो एक्सपायर है इसे सिर्फ फेंकना पड़ेगा, इसका कोई यूज़ नहीं है, ना कंपनियां कभी ज़िम्मेदार हैं। आप उतना ही माल लें जितना आपका सेल हो सके। उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली होती है माया, क्योंकि माया ज़्यादा टाइम पुराने होने पर इसमें जो काला काला, जो नीचे काला काला हो जाता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, शायद मेरे पास एक ख़राब रखी है। तो देखो, जो वीडियो आप देख रहे हो तो ये काला काला, ये किनारी किनारी काली हो जाती, तो समझो ये एक्सपायर है। और तो उसमें दोस्तों नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। तो उसने आपको लगता है कि मुझे महीने भर में इतना माल बिक जाएगा, माल को बेचो, फिर अगले महीने मंगाओ, फिर माल बिके फिर मंगा लो, लेकिन इन चीज़ों का ज़्यादा स्टॉक करना बेकार है, क्योंकि हमें दुकानदारी फुटकर में हमारी दुकानदारी फुटकर में और होलसेल में नहीं है, क्योंकि होलसेल वाले तो 20, 25, 30, 40, 50 कार्टून बेच देते हैं, लेकिन हमारा माल एक एक पीस बिकेगा। तो उतना ही माल लें जितना हमारा सेल हो सके, और इसमें हमारा नुकसान ही बचेगा। तो दोस्तों, क्योंकि नुकसान जब होता है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि प्रॉफिट कम नुकसान ज़्यादा है, तो इसीलिए माल हम उतना ही लें जितना हमारा सेल हो सके। क्योंकि अब नवंबर के बाद मार्केट, इन चीज़ों की मार्केट डाउन हो जाती है, और कम से कम चार महीने माल आपका रखा रहता है, कोई दुकानदारी नहीं होती है, और एक दो पीस बिके आए तो उसकी दुकानदारी भी दुकानदारी नहीं कहूँगा। इसलिए माल उतना ही रखें जितना आपका माल सेल हो सके। और दोस्तों, वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना। नमस्कार।